अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद वहीद अली, ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत का नेशनल कन्वीनर और स्पोक्स पर्सन। आज हमारी जो मीटिंग हुई है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, जो 2,20,000 अप्लीकेशन जो जमा हुए, उसमें जो है कई लोग जो है बड़ी मशक्क़त से जो है इनकम सर्टिफिकेट जो ब्लैक मार्केट चला, जो हज़ार रुपये फी कस दे के लोग जो है लिए, उसके बाद जो है जाके वहाँ पे फिर के जो दाखिल करे तक 1,500-2,000 काम छोड़कर, काम में छुट्टी लगाकर किसी का 3,000 किसी का 2,000 जो है खर्चा हुआ। कई 2,20,000 लोग जो है आज उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मुतालिबा है, जो उनके पास फिल वक्त जो फिल फोर 50 करोड़ जो उनके पास फंड में है, वो फौरन उसको इस्तेमाल करते हुए हर एक अप्लीकेंट के जो है अकाउंट में जो है 20,000 रुपये फौरन जो है उनको जो है जमा कर दीजिए बगैर किसी जो है कंडीशन के, ताकि उनको जो है कुछ जो है आरामी मिल सके। क्योंकि हम उम्मीद लगा के बैठेंगे 15 लाख 1 लाख वो होने का नहीं है। पिछले कांग्रेस की हुकूमत भी वायदे करी पूरा नहीं करी, ये भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट भी 15 लाख बनी पूरा नहीं करी, टीआरएस गवर्नमेंट केसीआर साहब 1 लाख और 2 लाख जो है मुसलमानों माइनॉरिटीज को देने का वादा करे, वो भी जो है अभी तक पूरा नहीं हो रहा। 12 हम लोग जो है ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत सदर साहब की जो है नुमाइंदगी में हम जाके जो है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में वक्तन फवक्तन हम रुजू हो रहे और जो मुतालिबा कर रहे, ताकि जो है कम से कम गरीब मजलूम को 20,000 में मिल गए, जो ठेला बंडी जो रोजमर्रा कमा के जीने वाले वो लोग कुछ अपना जो है तरकारी और कुछ लगा के जो है अपना वो गुजारा कर सके उससे। तो हमारा ये सख्त मुतालिबा है कि 20,000 फीकस हर एक के अकाउंट में जो है फौरन से फौरन जारी किए जाए। शुक्रिया।